प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मज हुए तिन कुंजा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतलह। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मद्दतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम निजदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरू विनती करू धरू चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश।
कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो में बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूं गुरु देव का रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोभा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सोख। सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होवे। कबीर, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन। तीन लोक के वे धनी गुरु आग अधीन। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना वो लग गया हर की सेव। कहे कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किए फिर लाग गया हर की सेव। कहे कबीर बैकुंठ में चले गए सुखदेव। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, अरि सुमरे सो रह गए गुरु सुमरे हो पार। जय इब कह सतगुरु मिले सब दुख आखू रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा तिनके हृदय न समा, अवगुण किए तो बहुत किए करत न मनी हारे। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्सिक बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो सुमार। सूरत करो मम साईया
हम हैं भवजल माही, आप ही बह जावांगे जो तुम न पकड़ोगे बाँ। ए बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े जैसे कागज जहाज का, अब सूजत और न ठोरे। परमपिता परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहब जी के असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग उपलब्ध हुआ। परमेश्वर कबीर जी की असीम कृपा से ये चंद पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण के लिए कुछ समय निकाल पाए। मानुष जीवन का मूल उद्देश्य सत्संग में आने से ही पता चलता है। जब तक हम सत्संग श्रवण नहीं करते, हम अपने दैनिक कर्म को जो भी जैसा कर रहा होता है उसी को उत्तम मानते हैं, और जो पुण्यात्माएं परमात्मा की तड़फ में पिछले पूर्व जन्म के संस्कारों के प्रभाव से परमात्मा की चाह में इधर उधर भटक रहे हैं, उनको सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। वे जहां भी गए, जिन संतों से मिले, उन संतों को एक परम संत मानकर उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को स्वीकार किया और फिर पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग को किया। लेकिन उन संतों के पास सत्संग नहीं था, कोरा कुसंग था। पुण्यात्माओं, जिन भक्तात्माओं को परमेश्वर कबीर जी का यथार्थ ज्ञान गहराई से समझ में आ चुका है, वे भक्तात्माएं दास के इन वचनों को सहर्ष स्वीकार करते हैं और गदगद होते हैं। जो पुण्यात्माएं प्रथम बार आते हैं, एक दो बार आए हैं, उनको ये बताया जाता है कि उन संतों के पास जहां आप पहले जाते थे, उनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं था, उनके पास यथार्थ भक्ति विधि नहीं थी, जिस कारण से आपका भी और उन गुरुओं का भी मानव जीवन व्यर्थ हो रहा था। तो पुण्यात्मा महसूस करते हैं कि क्या किसी के पास भी सत्संग नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। परमेश्वर ने तो यहां तक कहा कि तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी, केवल वो हंसात्माएं, वो पुण्यात्माएं जिनको परमात्मा अपने विधान अनुसार आकर मिले, केवल वही सत्संग से परिचित हुए और उन्होंने ही परमात्मा परमेश्वर जी का साक्षात्कार किया। फिर वो संख्या में बहुत कम थे, जिस कारण से इन अज्ञानी और अनाड़ी संतों ने उन महापुरुषों की अमरवाणी को जन साधारण तक नहीं जाने दिया, जिस कारण से आज तक हम अपने अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद करते रहे, व्यर्थ करते रहे, नष्ट करते रहे। मानुष जीवन का मूल उद्देश्य सत्संग से ही पता चलता है।